गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग द वेकेशंस। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज़ द अगली डकलिंग। आई होप एवरीबडी हैज़ परचेज द कोर्स। इफ नॉट देन प्लीज परचेज इट, बिकॉज द वी विल गिव यू द होमवर्क। सो प्लीज टेक आउट योर बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी। ब्यूटिफुल मॉर्निंग। Mother Duck was sitting on her nest. She was waiting for the eggs to be hatched. Soon, the eggs began to crack. Out came the ducklings. Wow, beautiful ducklings. 1, 2, 3, 4. Oops! One egg did not open. It was the biggest egg. Duck was sitting on the egg again. Mother Duck was looking at her beautiful ducklings. Crack! The last egg was opened. Out came the duckling. But he was ugly. Mother Duck was shocked. Oh well, never mind, she said. I love you, I will love you, I will love you just the same. All the other ducklings laughed at the ugly duckling. He was sad and lonely. He was thinking to run away. He ran away. He passed the crow and the sheep. They laughed. He passed the horse and the camel. They laughed too. He passed the cat and the dog. They laughed and laughed. Soon, the poor little duckling came to the lake. A beautiful swan and her ducklings were swimming. The ugly duckling looked at the baby swan. Then the ugly duckling looked at himself in the water in the lake. And she saw that she is no more ugly. She was just like the swan. The swans, the baby swans, were just like ugly duckling. Oh my, he said, I am not an ugly duckling. I am a beautiful swan. So kids, basically, it was not the duck. It was a swan. Ek khubsurat subah, Mother Duck apne nest mein baithi hui thi और इंतज़ार करेगी कि वो एग्स कब क्रैक होंगे। अचानक वो तमाम एग जो हैं वो क्रैक हो गए और उसमें से खूबसूरत बहुत प्यारी सी छोटी छोटी सी डकलिंग्स बाहर आ गईं। मदर डक ने अपने बेबीज को काउंट करना शुरू किया। 1, 2, 3, 4। ओप्स, एक एग तो क्रैक नहीं हुआ। वो एग तमाम एग से थोड़ा सा बड़ा था। मदर डक अपने तमाम बेबीज को देख के बहुत खुश हो रही थी क्योंकि सारे बेबीज बहुत प्यारे थे। क्रैक, जो आखिरी एग था वो भी क्रैक हो गया। ओह, ये क्या हुआ? इसमें से तो एक बड़ी सी डकलिंग बाहर आई जो कि बहुत बदसूरत थी, बहुत अगली थी। मदर डक बहुत उदास हुई और बहुत परेशान हो गई और हैरान होकर अपनी उस डकलिंग को देखने लगी और कहा, कोई बात नहीं, ये भी मेरी ही बेबी है, मैं इसको वैसे ही प्यार करूँगी जैसे मैं तमाम अपने डकलिंग्स को प्यार करूँगी। जब वो डकलिंग अपने तमाम अपने सिबलिंग्स के पास गया तो बाकी तमाम डकलिंग्स ने उसको देख के हंसना शुरू कर दिया और कहा कि ये कितना बदसूरत डक का बेबी है, ये कितना बदसूरत डक का बेबी है।
और ये हमारा सबसे गंदा भाई है। डकलिंग बहुत अगली डकलिंग बहुत उदास हुआ और उसने सोचा कि वो अपने घर से भाग जाएगा। जब वो घर से निकला तो उसको एक काव और शीप नज़र आए। उन्होंने उसको देख के ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। वो थोड़ा सा आगे गया तो उसको हॉर्स और कैमल भी नज़र आए। उन्होंने भी उसको देख के उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बहुत उदास चलता रहा उसको एक सामने एक कैट और डॉग नज़र आए। जब वो उनके पास से गुजरा तो उन्होंने भी ज़ोर ज़ोर से हंस के उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि कितना गंदा डकलिंग है। अचानक डक एक लेक के पास रुका। वहाँ पे पानी था। डक खामोशी से वहाँ जाके अगली डक ने खामोशी से जाके उस लेक के पास खड़ा हो गया और उसने देखा कि बहुत सारे खूबसूरत स्वान के बेबीज वहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं। अचानक से अगली डकलिंग की जो नज़र है वो पानी पे पड़ी और उसको पानी में अपना आप नज़र आने लगा। ये क्या, मैं तो अगली डकलिंग नहीं रहा, मैं तो बहुत खूबसूरत स्वान बन गया हूँ। और फिर उसे ख्याल आया कि वो तो डक था ही नहीं, वो तो हमेशा से स्वान था। वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा, नाउ आई एम नॉट एन अगली डकलिंग, आई एम अ ब्यूटीफुल स्वान। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी समझ में आए? ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल रीड विथ मी द अगली डकलिंग। यू हैव टू टेक योर इंडेक्स फिंगर एंड पुट योर फिंगर ऑन एवरी लाइन। द अगली डकलिंग, दिस इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर। डक was sitting on her nest. Now you have to read this line at least 5 times. Mother duck was sitting on her nest. Do you know how to spell the spellings? Do you know how to spell the words? Okay, now read with me, everyone, read with me. Mother duck was sitting on her nest. Wow, very good. मुझे सबकी आवाज आ रही है, आप इतना अच्छा इतना लाउड पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए एक छोटा सा आपको डॉट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फुल स्टॉप। जब फुल स्टॉप आता है तो फिर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, फिर हम सांस लेते हैं और फिर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सून द एग्स बिगेन टू क्रैक, फुल स्टॉप। हमें यहां पर फिर थोड़ा सा रुकना है। आउट केम द डक्स, वन। फिर यहां पर एक छोटा सा, ये देखिए ये क्या निशान है, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज कॉल्ड कॉमा। वन टू थ्री फोर, oops, one egg did not open, it was the biggest egg. Mother duck looked at her new ducklings, they were all so sweet. Crack, the last egg opened. Out came a big duckling, but he was ugly. Mother duck was shocked. Oh well, never mind, she said. I will love you just the same. Okay students, now we will read the next paragraph.
यू हैव टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ एटलीस्ट 5 times सो यू विल गेट टू नो दैट हाउ टू रीड द चैप्टर थॉरली. ऑल द अदर डकलिंग्स लाफ्ड एट द अगली डकलिंग. ही वॉज सैड एंड लोनली. He ran away. He passed the cow and the sheep. They laughed. He passed the horse and the camel. They laughed too. He passed the cat and the dog. They laughed and laughed. Soon the poor little duckling came to the lake. A beautiful swan and her ducklings were swimming there. The ugly duckling looked at the baby swans. He was just like them. Oh my, he said, I am not an ugly duckling. I am a beautiful swan. Now students, I read the complete chapter. Now you have to do the reading and learn all the difficult words. Okay students, अब हम आते हैं read and match. यहाँ देखिए हमारे पास 4 sentences हैं. Number 1, the egg is under the table. Number 2, the cup is on the chair. Number 3, the egg and cup are under the chair. Number 4, the spoon and cup are on the table. अब आप इन pictures में देखें, आपको एक spoon नजर आ रहा है, एक cup नजर आ रहा है, एक egg नजर आ रहा है. There is one table and one chair. अब आपने ये देखना है कि sentence number 1 में इन्होंने क्या लिखा है. The egg is under the table. अब जल्दी से हम पिक्चर ढूंढेंगे कि कौन सी पिक्चर में एग जो है वो अंडर द टेबल है. वाओ, दिस वन. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1. अब सेंटेंस नंबर 2 क्या है? द कप इज ऑन द चेयर. इसमें यस, दिस कप इज ऑन द चेयर. यहां पर हम क्या लिखेंगे? नंबर 2. व्हाट इज नंबर 3? द एग एंड कप आर अंडर द चेयर. यस, यहां पर हम क्या लिखेंगे? नंबर 3. द स्पून एंड कप आर ऑन द टेबल. यस, यहां नंबर 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंप्लीटेड. Now students, we are on exercise 1. Now students, we are on page number 7. This is the alphabet. It has capital letters and small letters. Now you have to read. Alphabet challenge. This is the alphabet soup. Ring the capital letters. These are the capital letters. These are the small letters. Now you have to find out the capital letters. B is capital here. Now you have to make a small circle. Now, number 2. Complete the alphabet's table. What is missing here? Yes, capital A is missing here. आपको ये complete करना है. यहाँ A के बाद B. B is missing. Small B. So you have to write here. Okay, this is exercise number 3. आपको ऐसे letters लिखने हैं जिसमें curve आता हो. कुछ यूं करके कर्व आता. कर्व का क्या मतलब है? इस तरह से कोई चीज होती है तो उसको कर्व कहते हैं. कर्व मतलब घूम जाना. अब एस
में दो कर्व आ रहे हैं, ए ए में एक कर्वी का आता है, ओके। इसी तरह आप सी को देखें, सी में भी एक कर्व आता है। जल्दी से बताएं, आई में कर्व है, आई में इस तरह से कर्व है, इस तरह से वो हाफ सर्कल करता है आई, नो तो हम आई नहीं लिखेंगे। के के में कर्व आता है, नो। एल में कर्व आता है, नो। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे कौन से लेटर्स लिखने हैं। एम में भी कर्व आता है, ऊपर की तरफ देखें, ठीक है। तो जितने भी लेटर्स में कर्व आता है वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। जेड में कर्व आता है, नो। एक्स में कर्व आता है, नो। डब्ल्यू में कर्व आता है, नो। तो आपने वो लेटर्स नहीं लिखने, आपने सिर्फ वो लेटर्स लिखने हैं जिसमें कर्व आता हो। कर्व मीन्स हाफ सर्कल, कर्व मीन्स हाफ सर्कल। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर बी। एक्सरसाइज नंबर बी, बिग और स्मॉल, माउस बिग है या स्मॉल है? यस, इट्स स्मॉल। एलिफेंट इज बिग और स्मॉल? नाउ यू हैव टू राइट, यू हैव टू गिव द आंसर। वॉर्म, छोटा सा वॉर्म होता है, वॉर्म इज स्मॉल और बिग। जिराफ, जिराफ इज स्मॉल और बिग? यू हैव टू राइट द आंसर्स। सबसे पहला पेज जिस पर आप लोग हेडिंग डालेंगे द अगली डकलिंग की, देन यू हैव टू डू वन पेज राइटिंग, आपको एक पेज राइटिंग करनी होगी।